प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। शनिवार को बेंगलुरु में पीएम मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने हावेरी की जनसभा में कांग्रेस पर करप्शन की पार्टी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन। वहीं अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण करती है और वो पीएफआई के एजेंडे पर चल रही है। अरे प्रभु श्री राम को ताले में बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी अब बजरंग बली का अपमान कर रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले में चुनावी रैली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं। तो कर्नाटक के प्रचार युद्ध में कांग्रेस के बीजेपी पर हमले जारी है। पहली बार प्रचार करने पहुंची सोनिया गांधी ने दावा किया कि बीजेपी से मुक्ति पाए बिना कर्नाटक की तरक्की मुश्किल है। कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को पहली बार प्रचार में सोनिया गांधी पहुंची और उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लूट, झूठ और नफरत का माहौल बना दिया है। भाजपा सरकार की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटक तरक्की कर सकता है। वहीं राहुल गांधी ने बेलगावी में सीधे पीएम को घेरा और कहा कि पीएम कर्नाटक में करप्शन पर बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवादी गड़बड़ियां बात करता रहे, उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। बेलगावी में कल गृह मंत्री ने चुनावी रैली में राहुल गांधी पर तंज किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने जिन राज्यों में गारंटी बांटी वहाँ पार्टी ही खत्म हो गयी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव आयोग पीएम मोदी पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार पर रोक लगाए और इसी बीच चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार रेड कार्ड वाले विज्ञापन पर नोटिस जारी किया है। बजरंग बली की कर्नाटक चुनाव में जय बजरंग बली की गूंज पर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। पीएम मोदी के जय बजरंग बली वाले बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर या धार्मिक आधार पर बात करने वालों पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगती है। ऐसे में चुनाव आयोग को पीएम मोदी के कर्नाटक में चुनाव करने पर रोक लगानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री पर कैंपेन करने में रोक लगानी चाहिए। ये तो ईमानदारी की बात कह रहा हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप कानून पढ़ लीजिए, आप कोई धार्मिक हिसाब से बात करेगा इलेक्शन के अंदर धर्म के नाम पर, रोक लगती है उसके ऊपर, इलेक्शन खारिज रहता उसका। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दिए गए भ्रष्टाचार रेड कार्ड विज्ञापन को लेकर खुद विवादों में फंसती जा रही है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस को नोटिस जारी कर आज शाम 7 बजे तक जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी शाम 7 बजे तक विज्ञापन को लेकर साक्ष्य साझा करने में असफल रहती है तो उसे कारण बताना होगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। जाति हिंसा में झुलसे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। कुछ ही इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य में कहीं भी हिंसक झड़प की खबर नहीं है। हालांकि 13,000 से ज्यादा लोग अब तक राज्य छोड़ चुके हैं। मणिपुर को जातीय हिंसा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक 54 लोगों की हिंसा में मौत हो चुकी है। इम्फाल घाटी में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहाँ कई दुकानें और मार्केट धीरे धीरे खुल रहे हैं। सड़कों पर भी गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को स्थगित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र मणिपुर में है उनके लिए नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। चूराचंदपुर जिले के लमका गाँव में शनिवार को एरिया डोमिनेशन के दौरान उपद्रवियों ने सेना पर पथराव किया, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में 2 उपद्रवी घायल हो गए। स्थानीय डीसी दफ्तर में करीब 1,000 विस्थापित लोग रुके हुए हैं। उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने में उपद्रवी बाधा बन रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ये ऐलान किया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में शांति समिति बनेगी। चूराचंदपुर जिले के कुछ इलाकों में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।
Z News.